अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपने इवन और ऑड के कॉन्सेप्ट को आपने पढ़ा, रिव्यू किया, कौन कौन सी चीज़ें कौन काउंट की थी, क्या आपने फिंगर्स को काउंट किया था जैसे मैंने आपको बताया था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रहा होगा और ज़्यादा समझने के लिए आज हम एक और गेम खेलेंगे। इट्स अ गेम, इट्स अ पजल्स टाइप हमारी एक्सरसाइजेज हैं। पेज नंबर 22 पे आ जाए और अपने मैथ्स बुक को अपने सामने रखें और शार्प पेंसिल्स अपने सामने रखें। तो जैसे जैसे मैं आपको गाइड करती जाऊंगी वैसे आप सॉल्व भी करते जाएंगे और कॉन्सेप्ट भी लेते जाएंगे। पेज नंबर 22 में सबसे पहले है सर्कल द ऑब्जेक्ट विच आर इवन नंबर्स। तो सबसे पहले मुझे कौन बताएगा कि इवन नंबर्स हैं कौन से? वो नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाए, या फिर हम याद रखें कि 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम 10 तक रहते हैं और 10 तक हम देखते हैं कि कौन कौन से इवन नंबर्स यहाँ पे हैं। यहाँ पे डिफरेंट शेप्स बनी हुई हैं, लॉलीपॉप्स हैं, बलून्स हैं, चॉकलेट्स हैं, बनानास हैं और हमारे पास ये क्या है, गिटार है। तो ये डिफरेंट चीज़ों में हमारे पास मालूम करना है कि कौन कौन से इवन नंबर्स हैं, और इवन नंबर्स वो होंगे जो कि पेयर बना पाएंगे। आपको याद रखना है कि जो जो नंबर्स पेयर बना पाएँ या जो जो चीज़ें पेयर बना पाएँ वही इवन नंबर कहलाती हैं। तो इनमें सबसे पहले हम लॉलीपॉप को देखते हैं। देर आर 4 लॉलीपॉप्स और 2-2 का पेयर बन सकता है। इट्स कम्प्लीटेड, कोई भी अकेला नहीं छूटा, इसका मतलब ये इवन है। तो इस ऑब्जेक्ट को हम सर्कल कर देंगे। अपनी शार्प पेंसिल से अच्छा से एक सर्कल बनाइए लॉलीपॉप्स पे। डन। देन वी हैव द बलून। यहाँ पे क्या है हमारे पास? 3 बलून हैं। 3 बलून को अगर हम पेयर करेंगे तो कैसे पेयर होगा? एक तो 2 का पेयर बन जाएगा और एक सिंगल रह जाएगा। तो फिर ये इवन हुआ कि ऑड? ये ऑड हो गया, इवन नहीं हुआ, इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसको सर्कल नहीं करेंगे, ये इवन नहीं है। ठीक है, देन हमारे पास बंच ऑफ बनानास हैं। बंच ऑफ बनानास में सबसे पहले बनानास को काउंट करना पड़ेगा, हमें मालूम करना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट में कितने नंबर्स हैं और वो नंबर 2-2 का पेयर बनाते हैं कि नहीं बनाते। 1, 2, 3, 4, 5 बनानास हैं। तो 5 नंबर्स ऑफ बनानास पेयर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? 2 बनाना, देन 2 और 1 सिंगल, तो एक सिंगल रह जाएगा, तो वो इवन नंबर नहीं कहलाएगा। ठीक है, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कैसे करेंगे? चॉकलेट्स को और हमारे पास कपी केक जो हैं उनको काउंट करके आप इस एक्सरसाइज को खुद से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और सर्कल करेंगे। कम टू द नेक्स्ट, सर्कल ऑल द इवन नंबर्स। नंबर्स लिखे हुए हैं, सिर्फ इवन नंबर्स को आपको सर्कल करना है। बहुत इजी एक्सरसाइज है, मैंने आपको बार बार बताया है कि इवन नंबर्स कौन से होंगे जो 2 से डिविजिबल होंगे और जो 2-2 का पेयर बनाएंगे। नंबर्स देखें कौन कौन से हैं यहाँ पे। सबसे पहले 10 है, फिर 1 है, फिर 6 है, फिर 3 है, फिर 8 है, फिर 2 है, 5 है, 4 है, 9 है, 7 है। और इनमें से इवन नंबर्स कौन से हैं? यू हैव टू डू बाई योर सेल्फ, आई टोल्ड यू अगेन एंड अगेन। और आपको पता है, अपनी फिंगर्स से नोट करते जाएं कि कौन से इवन हैं और कौन से ऑड हैं, और जो इवन हैं उनको सर्कल करें और ऑड को छोड़ दें। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पेज, इट्स अ ऑड नंबर एक्सरसाइज। ऑड नंबर एक्सरसाइज में हमें ऑड नंबर आंसर्स देने हैं। फिल अप द इवन हैंड विद द मिसिंग नंबर्स, इवन नंबर्स एंड द ऑड हैंड विद द हेड। ये 2 हाथ बने हुए हैं, जैसे आप लोगों के पास 2 हाथ हैं, और कौन कौन से काउंट किए थे जैसे हमने एक्सरसाइज में पहले भी हमने काउंट किए थे और हमने देखा था कि कौन से नंबर्स इवन हैं और कौन से नंबर्स ऑड हैं। तो इन फिंगर्स में हमें पता लगता है कि 1 ऑड है क्योंकि वो पेयर नहीं बना सकता। 2, 1 और 2, 2 मिलेंगे तो पेयर बनाते हैं तो इवन है। फिर 3 ऑड क्योंकि 2 का पेयर बनेगा, फिर एक सिंगल रह जाएंगे। अपनी फिंगर्स को देखते रहें और यहाँ फिंगर हैंड्स को भी देखते रहें। ठीक है, और इसी से आप मालूम करें कि कौन कौन से इवन हैं और कौन कौन से ऑड हैं। और जो मिसिंग नंबर्स हैं, फिंगर में सर्कल बना हुआ है, मिसिंग नंबर्स में आपको वो नंबर लिखने हैं। इजी है, हो जाएगा? यस, आप सब कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ने तो अभी से ही लिख लिया होगा, है ना? गुड, शाबाश। नेक्स्ट पे आ जाए, फिल अप द पेटल्स ऑफ द फ्लावर्स विद द नंबर्स इन द सीक्वेंस, then color the flowers that have the odd number of petals।
यहाँ पे देखें फ्लावर्स बने हुए हैं बड़े प्यारे प्यारे येलो कलर के, और येलो कलर के फ्लावर्स में कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। उन नंबर्स की सीक्वेंस को पहले कंप्लीट करना है। जैसे वन लिखा है तो टू आएगा, फिर थ्री पेटल में लिखा है, इसकी फूल की पत्ती में लिखा है ना, थ्री लिखा है तो फिर फोर आएगा, फोर के बाद फाइव आएगा, फाइव के बाद सिक्स आएगा, सिक्स के बाद सेवन आएगा। जितनी भी पेटल्स होंगी वो क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पे आ जाएं, वन टू थ्री फोर, उसमें भी इसी तरह से होगा। फिर सारे फ्लावर्स को जब आप फिल कर लेंगे तो आगे क्या करना है, उन फ्लावर्स में कलर करना है जो कि ऑड पेटल्स वाला होगा। ऑड पेटल्स वाला कौन सा होगा, जो कि पेयर बना लेंगे और कंप्लीट हो जाएंगे। आप पेटल्स को काउंट कीजिएगा, अगर पेटल्स जो हैं वो पेयर बना रहे हैं और पूरे पूरे पेटल्स पेयर बना रहे हैं तो वो इवन होंगे, उनको कलर नहीं करना। उनको कलर करना है जो ऑड पेटल्स होंगे, ऑड पेटल्स होंगे जो कि एक पत्ती जो है वो पेयर नहीं बनाएगी, यानी कि एक पत्ती छूट जाएगी। जैसे हमारी पेंसिल छूट गई थी, जैसे हमारी फिंगर्स छूट जाती हैं, और डिफरेंट चीज़ों से हमने इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट लिया है। उम्मीद है आप सब इवन और ऑड की इन एक्सरसाइजेस को समझेंगे, सॉल्व करेंगे और अच्छे से समझ भी जाएंगे। जब आप इनको खुद से करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएंगे, और इसी के साथ अपनी टीचर को जब आप बताएंगे कि आपने पेज नंबर 22 और 23 की ऑड और इवन की एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर ली हैं और ये किस तरह से सॉल्व किए और कॉन्सेप्ट देंगे, तो अगली बार फिर अगले टॉपिक्स के साथ हम यहाँ मिलेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।